गुड इवनिंग दोस्तों, ये देखिए आज सुबह से आपसे मुलाकात नहीं है। अभी मैं शाम का नाश्ता बना रही हूँ। ये हमारी कल की थोड़ी सी इडलियाँ बच गई थी लेफ्ट ओवर, तो वो मैं अभी ये देखिए आपके साथ में कट कर रही हूँ। और इसको मैंने यहाँ पे प्याज काट के रखा हुआ है और अभी इसको फ्राई करूँगी। चाय के साथ लेंगे हम लोग। और यहाँ पे देखिए मैंने ये अगेन फिर से घोल बना के रख लिया है, लेकिन आज इसका बनेगा डोसा। तो डोसा इसलिए बनेगा क्योंकि ना मेरी ये चटनी बची हुई थी, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे नाश्ते में। ये मैं काट के फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। दोस्तों यहाँ पे तेल हमने डाल दिया है और ये तेल इसमें हो रहा है, और अब इसमें हम प्याज और मिर्ची डाल देंगे और हम अपनी इडलियों को फ्राई करेंगे। बस सिंपल सा तड़का है। और ये हो जाने के बाद इसमें ऊपर से नींबू डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला। बच्चों को बहुत पसंद आती है ये, आप स्कूल के सुबह के टिफिन में भी दे सकते हैं, शाम के नाश्ते में बना सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। और ये चटनी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। इधर देखिए मैंने अभी कस्टर्ड बनाया है, अभी फ्रूट्स डालने बाकी, गर्म है ये। और इधर मेरी मैगी बन रही है और इधर मेरी चाय बन रही है। तो इस समय फुल ऑन स्क्रीन है मेरा किचन। बस ये हो गया है दोस्तों, इसको बहुत हमें कुक नहीं करना है, बिल्कुल सौते होना था वो हो गया। और इसमें हम अभी अपना ये जो इडलियाँ काट के हमने रखी थी वो मिक्स कर लेंगे। बस अगर आपके पास इडलियाँ बची हुई हैं या आपने बना के रखी हैं पहले से, तो ये बहुत फटाफट बनने वाला स्नैक है। और इसमें थोड़ा सा हमें नमक डालना है। बहुत हल्का सा नमक चल। और यहाँ पे एक चम्मच के करीब हमने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम हरी धनिया ऐड कर देंगे इसमें। और इसके बाद थोड़ा सा कट गया होगा यहाँ पे हम इसमें नींबू मिला देंगे। नींबू के लिए या तो आप स्क्वीज़र का प्रयोग करें दोस्तों, या तो फिर ऐसे हाथ लगा लें तो इससे बीज अंदर नहीं जाएंगे। और बस ये तैयार हो गया है फटाफट वाला नाश्ता। देखिए इसको इतनी जल्दी पड़ी है, पैन छोड़ के भाग रही है मेरी इडलियाँ। ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। आज सुबह से तो आपसे मुलाकात हुई नहीं, अभी मुलाकात हो रही है बस ये चटाकेदार नाश्ते के साथ और मस्त चाय। चाय का सॉरी, मैंने बॉयल बंद कर दिया था, बॉयल आ गया था इसमें। और इसके साथ ही मैं बनाऊंगी इधर डोसे, तो वो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। पहले मैं ये सर्व कर दूँ, बच्चे खाते रहें। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मेरी नाश्ते की ट्रे लग गई है। इधर चाय रख ली है मैंने अपनी और हस्बैंड की, बच्चे दूध पी चुके हैं। और इधर इडली है और इधर चटनी है, इधर थोड़ी सी मैगी है बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मैगी, और हमेशा मैं इडली थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि ये वाली इडली लोगों को हमारे यहाँ बहुत पसंद है सबको। दोस्तों यहाँ पे सूजी और दही का घोल मैंने फिर से बना के रख लिया है, और इसमें मैं इनो सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और इसका मैं बनाऊँगी इंस्टेंट डोसा। इसमें और कोई फिलिंग वगैरह नहीं डाल रही हूँ मैं, आलू पनीर वगैरह की कुछ भी, वैसे वो भी बनाती हूँ लेकिन जब वो मेन कोर्स में बनता है तब। और अभी ये केवल नाश्ते में बन रहा है, इवनिंग स्नैक में। तो इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ कि इनो पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। हमेशा मैं अपने यहाँ इडली थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ दोस्तों, क्योंकि बच्चों को हस्बैंड को इस तरीके से फ्राई करके इडली बहुत पसंद आती है, नेक्स्ट डे ज़रूर डिमांड आती है। आप भी बनाएं। और इधर देखिए डोसा बनाने में बहुत परफेक्ट नहीं है ना, इडली मेरी अच्छी बनती है बट जैसे ही बनता है ना
घर में यार प्रेस से मतलब है ना। ये नमक भूल गई थी दोस्तों, तो मैंने नमक अभी इसमें ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दो, अब इसमें मैं थोड़ा सा छीटा मारूंगी तेल का, पानी का। अब यहाँ पे मैंने ये ढाई चम्मच के करीब, और इसमें मैंने बस चला देना है हल्के से। हाँ दोस्तों, मैंने इसके कोट छुड़ा लिए हैं चारों तरफ से। अब मैं इसको पलट रही हूँ, ये वैसे बड़ा सॉफ्ट लग रहा है। जय माता दी, बहुत अच्छा बना है दोस्तों, बिल्कुल घर में ऐसा ही बनना चाहिए। ये रवा डोसा है ना, तो थोड़ा ऐसा ही बनेगा। दोस्तों बताइएगा मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और आपको मेरे व्लॉग को लाइक करना है, प्यारे प्यारे कमेंट्स देने हैं, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों मेरे चैनल को, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ बेल आइकन आता है, उसको प्रेस करेंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। और दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इसी के साथ आप सबको शुभ रात्रि।